Hello students, today we are going to solve the numerical problems based on equivalent capacitors or the combination of capacitors. There is a question in the given figure, adjoining figure, find the equivalent capacitance. Ye hame figure diya hua hai. Is figure mein hame points A aur B ke beech ka equivalent capacitance find karna hai. To sabse pehle hum kya karenge, jaisa humne isse pehle bhi tum logo question solve karna sikha chuke hain, to sabse pehle iska naming kar lete hain. ये C1 हो गया, इसको हमने C2 कंसीडर कर लिया, C3, C4, C5 एंड C6. इसके आगे हम अब चेक करते हैं, जहां हमने बताया क्लोज सर्किट जहां होगा वहां से इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं. हमने A और B के बीच में बैटरी कंसीडर कर लिया, चार्ज यहां से इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जहां चार्ज सेम रहता है वहां सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये चार्ज इन सभी में सेम जाएगा, इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, मींस C4, C5 एंड C6. ऑल द थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सबसे पहले हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देते हैं. तो यहां लिख देंगे हम C4, C5 एंड C6 आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान लिया C डैश. Therefore, सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 upon C dash equals to 1 upon C4 plus 1 upon C5 plus 1 upon C6. Now put the values of these capacitors. So we have 1 upon 6 plus 1 upon 6 plus 1 upon 6. LCM आया इनका 6, 1 plus 1 plus 1 you get 3. 3 1 is 3, 3 2 is 6. 1 upon C dash equals to 1 upon 2, और after cross multiplying we get 2 microfarad. So it means ये जो हमारे पास तीन capacitors हैं, इन तीनों capacitors का एक अगर combine हम बनाएंगे तो वो 2 microfarad का capacitor यहाँ बर्क देगा. इसके बाद हम इस diagram को दोबारा से करेंगे, redraw करते हैं इस diagram को easy करने के लिए. तो अब ये diagram हम इस तरह से बना सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें हमने कुछ नहीं किया है. यहां पर इन तीनों की जगह पर हमने एक कैपेसिटर ले लिया बस C डैश, और ये हमारे पास ये C डैश है, 2 माइक्रोफैरड फाइंड कर लिया हमने. ये हमारे पास C3 है, 1 माइक्रोफैरड इसकी वैल्यू है. ये हमारे पास C2 है, इसकी वैल्यू भी 1 माइक्रोफैरड है. ये C1 ऐसे है. अब ये हमारा फिगर यहां है, इसको हमने ये बना दिया. अब आगे सॉल्व करते हैं. अब हमें ये दिख रहे हैं C3 और C2, ये दोनों ही कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं. नाउ C3 एंड C2 आर इन पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, इसको हमने C डबल डैश कंसीडर कर दिया इन दोनों में कॉम्बिनेशन को, और इसको हमने लिख दिया C3 plus C2. It becomes 1 plus 1 equals to 2 microfarad. ये C double dash के हमारे पास 2 microfarad आ गया. अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए फिर से डायग्राम को रिड्रॉ करो. हम ये डायग्राम इस तरह से हो गए, ये C डैश था, ये C डबल डैश, ये C1, ये 2 माइक्रोफैरड आया, ये भी 2 माइक्रोफैरड आया, और ये है 1 माइक्रोफैरड. ये दोनों हमारे फिर से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, C डैश एंड C डबल डैश. इन दोनों को हमें दोबारा से पैरेलल में जोड़ना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फिर से फॉर्मूला है R इन पैरेलल. देयरफॉर इसको हमने C डबल डैश कंसीडर कर लिया, और C डबल डैश आ जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश, इट बिकम्स 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरड. अब हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड आ गया. अब इसको हम सीधे सीधे दोनों को सीरीज में जोड़ सकते हैं, ये A और ये B, यहां पर C1, यहां पर C डबल डैश. अगेन C1 एंड C डबल डैश आर इन सीरीज, therefore 1 upon C, यानी कि resultant capacitance 1 upon C आएगा हमारे पास 1 upon C1 plus 1 upon C triple dash,
ये 1 है और ये कितना है 1 upon 4 and 4 1 का 4 plus 1 5 upon 4 1 upon c equals to 5 upon 4 therefore c equals to 4 upon 5 microfarad तो ये हमारा equivalent capacitance आता है A और B के बीच में इसी तरह से हम दूसरे questions भी solve करें